हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताल फरमाती हैं एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्ला वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई मदीना तय्यबा आ गई तो ज़ूर ने मस्जिद नबी शरीफ़ में उसके लिए मकान एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया वहीं रहने लगी अक्सर वो सैदा तय्यबा के पास आती तो हजरत आशा सदीक़ा ऱी अल्लाह तना फरमाती हैं वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था वो भी वो भी बड़ा अजीब दिन था सैदा अशर सिद्क़ रदी अल्लाह तुम एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है वो क्या दिन था तो खातून कहने लगी अम्मा जी वो दिन था जब मेरा मेरे रब पर भरोसा और मज़बूत हो गया जिस दिन मेरा अपने रब पर तोल और बढ़ा मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई कहने लगी मैं एक घर की कनीस थी नौकरानी थी उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था उस ज़माने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे कई दफ़ा सुरख रंग के चमड़े पर लगाए जाते थे वो बच्ची पहनती थी तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई घर वालों ने मुझसे पूछा ये बुखारी में मौजूद है घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है तो मैंने कहा चील उठा के ले गई घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगता है मुलाजमीन पे कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा बड़ी तकलीफ थी तक कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी ली मेरी इज्जत इतनी ख़राब की मैं बता नहीं सकती मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़ा देखा एक अमीर घर में चोरी हो गई मुलाजिम को इतना मारा इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया पुलिस वालों से इतनी मार परवाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ इतना बीमार हुआ और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका फिर उसका इंतकाल हो गया अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफ़िया मांग रहे हैं कान में तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है तुम्हारा जोर चलता था ना तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जिसना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहाँ कार्रवाई की अब एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ़ दी होगी ना तो क़्यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था वो खातू अर्ज करती है सैयद आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा मुझे तकलीफ़ दी मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है पर वो नहीं मान रहे थे अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा हजरत अशा से दीखा कहती हैं फिर क्या हुआ कहने लगी अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा मुझे तकलीफ़ दे रहे थे रसुवा कर रहे थे तो मैंने अपने रब से मदद ताही मेरे रब की तरफ मैंने तोज्जो की मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है कहती है वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही ले कर वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए वो मेरी बेगुनाई जान गए लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तनहान नहीं छोड़ता वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है वो तो कसम पुरसी में आ जाता है उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती